नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अपडेट जारी हो रहे हैं। अब एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार अपडेट हमारे सामने है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो नई गाइडलाइन बताया गया है, उसमें अब बताया गया है कि उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त भी लागू कर दी गई है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए इस गाइडलाइन के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कौन प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और कौन नहीं। चुनाव आयोग ने बताया है कि शर्तों के साथ एक से अधिक पदों पर भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आयोग की तरफ से जिलाधिकारी को भेजे गए गाइडलाइन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के योग्यता, उम्र, नामांकन शुल्क, नामांकन मतदान, मतगणना, नामांकन पत्रों की जांच आदि के बारे में विस्तार से जानकारी बताई गई है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्हें अलग अलग पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग अलग जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी 21 वर्ष का योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार है, बशर्ते पूर्व में चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृह रक्षक जिन्हें जिला समादेष्टा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी अधिवक्ता जिन्हें की AGP और अपर लोक अभियोजक जिन्हें की APP जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए गए हैं चुनाव लड़ सकते हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर काम करने वाले अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक या अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत पदस्थापित या प्रति नियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, मानदेय पर कार्यरत कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कार्यरत गृह रक्षक, सरकारी वकील जिन्हें की GP, लोक अभियोजक PP, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा रिटेनर शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं या फिर सहायक लोक अभियोजक अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के अंतर्गत शक्तियों के दुरुपयोग और अपने दायित्वों के निर्वहन के दुराचार के आरोप में पदच्युत किए गए मुखिया तथा धारा 97(5) के तहत पदच्युत किए गए यानी कि उनके पद से हटाए गए ग्राम कचहरी के सरपंच या उप सरपंच चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने कहा है कि आयोग के गाइडलाइन को सभी वीडियो को भेज दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गाइडलाइन के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि उम्मीदवार किन्हें बनाए अपना प्रस्तावक। जब कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उन्हें एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। तो आखिर चुनाव आयोग ने बताया है कि आप किन्हें नहीं बना सकते हैं प्रस्तावक। जारी गाइडलाइन के तहत पंचायत निकायों में ग्राम कचहरी के पदों के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक बनाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के सदस्य केंद्र या राज्य या किसी भी स्थानीय प्राधिकार में पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत या पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता मिशन व विशेष शिक्षा केंद्रों के मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक के भी प्रस्तावक बनने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, मानदेय पर कार्यरत दलपति व होमगार्ड भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता जिन्हें हम GP कहते हैं, लोक अभियोजक जिन्हें हम PP भी कहते हैं प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। आयोग ने कहा है कि उपयुक्त व्यक्ति अगर प्रस्तावक होंगे तो वैसे अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई दो बड़े अपडेट के साथ हम आपसे रूबरू थे। ऐसे ही एक बार फिर हम नए अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।